दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन कैसे करें किसी भी डिवाइस में। अगर आप लोग कंप्यूटर या लैपटॉप कहीं पर भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो उसको लॉगिन कैसे करना है, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ अपना इंस्टाग्राम अकाउंट। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेना है। अगर आप लोग कंप्यूटर या लैपटॉप में चला रहे हैं तो वहाँ पर आपको इंस्टाग्राम वेबसाइट ओपन कर लेनी है। अब जैसे आप लोग इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा आपका यूज़र नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर और आपका पासवर्ड। तो देखिए, अगर आपको आपके अकाउंट का यूज़र नेम पता है या फिर ईमेल आईडी पता है जिससे आपने अपना अकाउंट बनाया है, या फिर अगर आपको ईमेल नहीं पता है, यूज़र नेम नहीं पता है, उसका मोबाइल नंबर पता है, आपने उस अकाउंट में जो मोबाइल नंबर ऐड किया है वो अगर आपको मोबाइल नंबर पता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वो ईमेल आईडी, यूज़र नेम या फिर मोबाइल नंबर, तीनों में से कोई एक एंटर कर देना है और यहाँ पर आपको पासवर्ड एंटर करना है। तो यहाँ पर मैंने अपना यूज़र नेम डाल दिया है, उसके बाद मैं यहाँ पर पासवर्ड पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने पासवर्ड भी पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है लॉगिन, ओके। तो अगर आपका अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी तो आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल दीजिए, उसके बाद यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप लोग लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए बता रहा है सेव लॉगिन इन्फॉर्मेशन। अगर आप चाहें तो अपने लॉगिन इन्फॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि कभी भी आप दोबारा लॉग आउट हो जाएंगे अगर अपने डिवाइस से, तो दोबारा आपको लॉगिन करने के लिए पासवर्ड और ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो मेरे ऐप में लॉगिन हो चुका है। इसी तरीके से सेम आप लैपटॉप या कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा।